নমস্কার, ভয়েস এটিনের পর্দায় আপনাদের স্বাগত জানাই। আপনাদের সাথে রয়েছি আমি মৌমিতা। প্রথমেই যে সংবাদটিতে চোখ রাখবো, দিল্লিতে জমা জলে সাঁতার, গত কয়েকদিন ধরে লাগাতার বৃষ্টি, সঙ্গে যমুনা নদীতে জলোচ্ছ্বাস। দিল্লিতে জমা জলে সাঁতার কাটতে গিয়ে প্রাণ গেল তিন কিশোরের। দুর্ঘটনাটি ঘটল শহরের উত্তর পূর্বে মুকুন্দপুর এলাকায়। পুলিশ সূত্রে খবর, মৃতেরা হলো পীযূষ, নিখিল ও আশিস। তাদের সকলেরই বয়স 12 থেকে 15 বছরের মধ্যে। বাড়ি দিল্লির জাহাঙ্গীরপুর এলাকার এইচ ব্লকে। ঘড়িতে তখন 4:30। এদিন বিকেলে মুকুন্দপুর এলাকার নির্মীয়মান মেট্রো প্রকল্পের জায়গায় জমা জলে স্নান করতে নামে ওই তিন কিশোর। এরপর যখন সাঁতার কাটার চেষ্টা করে তখন তলিয়ে যায় তিনজনই। হাসপাতালে নিয়ে গেলে তাদের মৃত বলে ঘোষণা করে চিকিৎসকেরা। এদিকে অত্যাধিক বৃষ্টির কারণে বিপদসীমার উপর দিয়ে বইছে যমুনা নদী। 1978 সালে বর্ষার যমুনা জলস্তর ছিল 207.49 মিটার। সেই রেকর্ড ভেঙে গেছে ইতিমধ্যেই। বস্তুত বৃহস্পতিবার যমুনার জল ঢুকে গেছে লাল কেল্লায়। শুক্রবার যমুনার জল ঢুকে পড়েছে সুপ্রিম কোর্টের কাছেও, ডুবেছে রাজঘাট, বিভিন্ন রাস্তার জলমগ্ন হয়ে পড়ায় যানজটে নাকাল হচ্ছেন বাসিন্দারা। রবিবার পর্যন্ত রাজধানীতে বন্ধ স্কুল কলেজ। रेगुलेटर है दिल्ली जल बोर्ड का, आप देख रहे हो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा है और इतना मोटा रेगुलेटर है, ये भी मुड़ गया पूरा का पूरा। और जब वो एक प्लेट थी वो ऐसे मुड़ गई तो साइड में से और नीचे से पानी शहर के अंदर एंटर करने लग गया। अब इसको रिपेयर कर रहे हैं, सारी रात यहाँ पे इंजीनियर्स ने कोशिश की है। हमें लगता है 3-4 घंटे के अंदर काबू हो जाना चाहिए। बीजेपी की तरफ से सवाल खड़ा किया जा रहा है कि ये सरकार को पता ही नहीं है, राजनीति नहीं करनी चाहिए। बीजेपी जो भी कह रही है मैं उस पर कोई जवाब नहीं दे रहा। लेकिन ये वो नाला है जिसकी वजह से आईटी और आसपास का पूरा इलाका डूबा हुआ है। मैं सहमत हूँ, इसलिए मैं भी यहाँ आया हूँ, LG साहब भी यहाँ आए हैं और सब लोग लगे हुए हैं। तो कितनी देर में, अगर 3-4 घंटे और यमुना का जलस्तर भी कम होने लगा है तो उम्मीद कर रहे हैं कि हालात 24-48 घंटे में सामान्य होंगे? कल फिर बारिश आने का अंदेशा है तो देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि जलस्तर जो नीचे जा रहा है वो नीचे ही जाता रहे। सर, इसके मद्देनजर क्या प्रिकॉशनरी मेजर सर गवर्नमेंट ले रही है, क्या कदम उठाया सरकार? सभी जो भी करने की जरूरत पड़ रही है, जैसे आज कल शाम से ये ब्रीच का पता चला तो पूरी रात सौरभ भारद्वाज यहीं पे थे और मजदूरों से करा रहे थे। अब सुबह आर्मी और NDRF आए हैं और साथ मिलके कर रहे हैं। बस एक सवाल और, यहाँ पर एक पीछे एक और ब्रिज भी है जो IT वाला ब्रिज है, कहा जा रहा है उसके भी गेट बंद है, वो हरियाणा सरकार के पास आता है, ऐसी कोई जानकारी? वो 32 वहाँ पे गेट थे जिसमें से 5 गेट खुल नहीं पाए। वो हरियाणा सरकार मेंटेन करती है, उनको भी खोलने की कल से कोशिश जारी है। लेकिन वो ऐसे माहौल में भी क्या पहले कॉन्टैक्ट किया गया था, क्योंकि 5 गेट नहीं खुलना वो भी ऐसे माहौल में जब पानी का फ्लो यहाँ कितना ज़्यादा होना चाहिए था। हरियाणा मेंटेन करता है उसको, हरियाणा सरकार के अधीन आते हैं वो, रात से बुलाया गया उनके इंजीनियर्स, वो लगे हुए सब लोग लगे हुए। अभी इस टाइम एक दूसरे को दोष देने का टाइम नहीं है। तो अगर वो गेट खुले होते तो शायद थोड़ा सा एग्जिट, जो पानी दिल्ली में एंटर कर रहा है वो उसको एग्जिट होने में थोड़ी ज़्यादा तेज़ी मिली।